तो गाइस अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपका जो डेटा नेटवर्क है जिससे आप इंटरनेट यूज करते हैं उसके ऊपर आप लॉक लगा सकते हैं, तो शायद आपको ये बात मेरी मजाक लगेगी, पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज करके बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जो है अपने इंटरनेट डेटा कनेक्शन के ऊपर लॉक लगा सकते हैं। उससे होगा ये कि जब आप चाहेंगे तभी आपके फोन में इंटरनेट चलेगा, जब आप नहीं चाहेंगे जब इंटरनेट नहीं चलेगा। जबकि आपका अगर डेटा ऑन भी है तो भी कोई भी आपका दूसरा बंदा नेट यूज नहीं कर पाएगा, या मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं या आपका और कोई फ्रेंड जो है आपके मोबाइल से डेटा यूज करता है या आपके फोन के अंदर वो इंटरनेट को यूज करता है, तो डेटा ऑन होने के बाद भी जो आपका डेटा रहेगा फोन का वो ऑन रहने के बाद भी वो आपके इंटरनेट को यूज नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा लॉक इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ, पर आपको उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है क्योंकि एंड में मैंने आपको बताया है कि उसको अनलॉक कैसे करना है। तो लॉक करना तो आप सीख जाएंगे, बट अगर आपने वीडियो को आधा ही छोड़ दिया या मान लीजिए स्किप कर करके देखा तो आप उसको अनलॉक कैसे करेंगे वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो गाइज यहाँ पर अपने डाटा नेटवर्क को लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, तो उसके पहले मैं आपको यहाँ पर अपना डेटा बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं मेरा डेटा यहाँ पर ऑन है। और अभी मैं आपको यूट्यूब चला करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर मेरा यूट्यूब भी बराबर से जो है काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पूरा यूट्यूब जो है वर्क कर रहा है, यानी कि अभी मेरा डेटा जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। अब इस डेटा नेटवर्क के ऊपर मुझे लॉक लगाना है, तो लॉक लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमें जाना होगा हमारे फोन की सेटिंग में। आपके पास कोई भी फोन हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी सिम यूज कर रहा हो उससे भी कोई मतलब नहीं है, ये चीज सभी फोन और सभी मोबाइल और सभी सिम के ऊपर अप्लाई होता है जो मैं आपको लॉक बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना है मोबाइल नेटवर्क के ऊपर, और मोबाइल नेटवर्क के ऊपर जाने के बाद में जो भी आपकी सिम कार्ड है सिम वन में है या सिम टू में है उसको आपको करना है सिलेक्ट। यहाँ पर मेरी सिम वन में है तो मैंने सिम वन को सिलेक्ट कर लिया। अब सिम वन को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से नीचे से सेकंड लास्ट वाला जो ऑप्शन है एक्सेस पॉइंट वाला, मुझे इसके ऊपर करना है टैप। अब टैप करने के बाद में यहाँ पर जो भी एक्सेस पॉइंट आपके हैं उनको आपको यहाँ से जो आपको ये दिख रहा है इसके ऊपर टैप करना है, ये जो एरो दिख रहा है इसके ऊपर टैप करना है। और टैप करने के बाद में यहाँ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है डिलीट एपीएन, तो मैं इस एपीएन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जो भी एपीएन मेरे फोन के अंदर है इनको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद में हम आ जाते हैं बाहर, और बाहर आने के बाद अब जो है हम हमारा यूट्यूब वापस से ओपन करके देखते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ आ गया यू आर ऑफलाइन। जबकि यहाँ पर अगर मैं आपको अपना डेटा कनेक्शन बताऊं तो यहाँ पर मेरा डेटा कनेक्शन ऑन है, मैंने इसको ऑफ भी नहीं किया है, यहाँ पर ऑन है। उसके बाद भी यहाँ पर मेरा यूट्यूब जो है वो नहीं चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ आ रहा है कि यू आर ऑफलाइन एक्सप्लोर डाउनलोड्स, तो यहाँ पर जो मैंने डाउनलोड्स किए हुए सिर्फ वो ही यहाँ पर काम करेंगे। तो इस तरह से जो है आप अपने डाटा नेटवर्क के ऊपर या डाटा कनेक्शन के ऊपर या मोबाइल डाटा के ऊपर लॉक लगा सकते हैं। अब ये तो हो गया लॉक की बात कि आपने इस तरह से इस पर लॉक लगा दिया। अब इसको वापस से आपको अगर यूज करना है अपना इंटरनेट तो आपको क्या करना होगा, तो फिर से अपनों को उसी सेटिंग के ऊपर चले जाना है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको अनलॉक कैसे करना है। तो उसी सेटिंग पर जाने के बाद में वापस से मोबाइल नेटवर्क पर जाना है, मोबाइल नेटवर्क पर जाने के बाद में उसी सिम को सिलेक्ट करना है जिस पर आपने लॉक लगाया है। उसके बाद वहीं पर वही सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन एक्सेस पॉइंट नेम, अब एक्सेस पॉइंट नेम के पास जाने के बाद में यहाँ पर तीन डॉट्स पर हमें करना है क्लिक, और तीन डॉट्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया है रीसेट एक्सेस पॉइंट। हो सकता है काफी सारे फोन के अंदर यहाँ नीचे लिखा हुआ आता है रीसेट एक्सेस पॉइंट, तो आपको एक्सेस पॉइंट को फिर से रीसेट कर देना है। यहाँ पर रीसेट एक्सेस पॉइंट करते ही हमारे वापस से एक्सेस पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ऊपर कनेक्शन भी आ चुका है हमारा, और अब मैं यहाँ पर आपको फिर से यूट्यूब को जो है चला करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं बैक टू ऑनलाइन। तो मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब जो है वापस से चलना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप भी अपने डाटा कनेक्शन के ऊपर लॉक लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इसी तरह की और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।